हेलो। यहाँ पे जो है इस लेक्चर में हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और ये जहाँ कहीं भी यूज होता है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, डिफरेंट कंडीशंस क्या है। ये तुम्हारा बीएससी पार्ट वन सिलेबस का जो है थ्योरी का टॉपिक है। एक्सपेरिमेंट्स भी है इसमें, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट और एक्सपेरिमेंट्स जो है ये बीएससी पार्ट टू के लैब में। तो यहाँ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो है, इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट नो व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल अबाउट। ये ऊपर जो डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द अरेंजमेंट, जैसे रखा जाता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्लास में आता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल, दो वर्ड है इसमें, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है मैकेनिकल। तो जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज देयर प्रिंसिपल। द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमसीजी कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब होता है, इलेक्ट्रो माने होता है इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज, चार्ज करंट, वोल्टेज, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं। इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के कारण जो मैकेनिकल इफेक्ट होता है, द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, चार्ज, इसी को इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहते हैं। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब जो है तुम्हारा, जैसे टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, रोटेशन हो गया, किसी तरह का मैकेनिकल मोशन जो हो रहा है, दैट इज मैकेनिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल मीन इलेक्ट्रो सॉरी मैकेनिकल मीन द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। और दिस मीन्स हेयर वी स्टडी द मैकेनिकल इफेक्ट लाइक टॉर्क, टॉर्क, फोर्स, मोशन, रोटेशन, ये सब मैकेनिकल चीजें हैं, मैकेनिकल इफेक्ट है। रोटेशन, ट्रांसलेशन, कॉज बाय इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, बाय इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के द्वारा ये जो इफेक्ट्स है ये प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज प्रोड्यूस caused by electrical quantities like current, charge, voltage, इनके द्वारा जो mechanical effect produce होता है, इसको जब हम पढ़ते हैं, इसी को हम लोग electromechanical effect बोलते हैं। इसी पर based है ये instrument, ठीक है। ये electrically operated होते हैं, और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मैंने इनमें से करंट, वोल्टेज या चार्ज पास हो रहा है, इसके कोरिस्पोंडिंग एक मैकेनिकल इफेक्ट तुमको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो बेसिक इसका जो जिसको कहते हैं फाउंडेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द पीएमएमसी। पहले बता ले फिर हम लिखेंगे। पीएमएमसी का मतलब है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। इसमें एक परमानेंट मैग्नेट नेसेसरीली होता है, एंड देयर इज ए कॉइल दैट अंडरगोज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन, और दैट इज अफेक्टेड बाय द टॉर्क, एनीथिंग, एनी मैकेनिकल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय दैट कॉइल। तो यहाँ पे जो बेसिक इसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, दैट इज द पीएमएमसी, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक
द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट इज द PMMC परमानेंट मूविंग कॉयल मैग्नेट इज द PMMC व्हिच स्टैंड्स फॉर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। इसमें होता क्या है कि नेसेसरीली एक परमानेंट मैग्नेट होता है किसी भी शेप का, जनरली यू शेप रखते हैं, और एक कॉयल होता है दैट अंडर गोज रोटेशन और इट इज अफेक्टेड बाय द टॉर्क। देयर इज नेसेसरीली ए परमानेंट मैग्नेट एंड ए मूविंग कॉयल। ये कॉइल जो है ये मूव कर सकता है, ये घूम सकता है, या ट्रांसलेशन नहीं, जनरली घूमता है ये। तो ये इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे गैल्वेनोमीटर है, एग्जांपल्स आर गैल्वेनोमीटर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ए डीसी कॉइल, डीसी अमीटर और वोल्टमीटर, जिससे हम लोग डीसी वोल्टेज मेजर करते हैं। क्यों एसी नहीं कर सकते, इसमें हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। एक तो कारण एसी का प्रॉपर्टी है, दूसरा कारण जो है इसके जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फैक्ट कि ये जल्दी एसी के लिए यूज नहीं होता है। डीसी अमीटर, वोल्टमीटर, सीरीज एंड शंट ओमीटर, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। सीरीज एंड शंट ओम मीटर आर सम एग्जाम्पल्स दैट वर्क ऑन PMMC एंड आर नेसेसरीली इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये PMMC पर बेस्ड है। मैंने इनके अंदर जो है एक ये एक कॉइल और एक परमानेंट मैग्नेट नेसेसरीली होता है, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ये जो परमानेंट मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, जिसको हम लोग PMMC कह रहे हैं, इसमें जो है एक लाइट वेट कॉपर का वायर होता है, कॉइल होता है, कॉपर का बना होता है, और ये जो है इट इज सस्पेंडेड इन द फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे। ये जो है ये परमानेंट मैग्नेट के फील्ड में होता है। अब जैसे ही वायर में से करंट पास होता है तो करंट जहां से भी पास होता है वहां एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इंटरैक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट एंड दैट रिजल्ट्स इन द रोटेशन, पार्शियल रोटेशन ऑफ द कॉइल, और उसके बाद और कुछ मैकेनिकल इफेक्ट्स होते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्टेप ऑफ वर्किंग ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। द कॉइल इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड दिस कॉइल इज सस्पेंडेड इन द फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट के फील्ड में होता है। व्हेन ए करंट पासेस टू दिस कॉइल देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट तुम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़े होगे किस तरह से जो है करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, टॉर्क कैसे लगता है। तो ये 12th बेसिस लेवल पे जो है पढ़ाया जाता है। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इंटरैक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट
परमानेंट मैग्नेट एंड एज ए रिजल्ट द कॉइल अंडरगोज पार्शियल रोटेशन. ये जो है पार्शियल रोटेशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है हम लोग आगे देखेंगे. पार्शियल रोटेशन का क्या मतलब है, तो ये जो कॉइल है ये कॉइल पार्शियली रोटेट करता है. तो ये जो रोटेशन है दिस इज द मैकेनिकल इफेक्ट, और जो करंट फ्लो हो रहा है और जो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट. इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है दैट इज प्रोड्यूस बाय द करंट एंड द पार्शियल रोटेशन इज द मैकेनिकल इफेक्ट. तो ये बेसिक स्टेप है, ठीक है. तो करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है इन द वायर इट इज इंडिकेटेड. तो अब ये करंट जैसे ही फ्लो होता है, तुम लोग कभी लैब में देखे होगे ये डीसी एमीटर या जिसमें वो कांटे वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये करंट जो है इट इज इंडिकेटेड बाय द डिफ्लेक्शन ऑन ए कैलिब्रेटेड स्केल. एक स्केल होता है उसके ऊपर देखोगे जो कांटा है वो मूव कर रहा है. सो दिस इज हाउ द कांटा मूव, दिस इज हाउ द पॉइंटर मूव, ठीक है. ये पॉइंटर कॉइल के साथ कनेक्टेड होता है. कनेक्टेड होने के कारण जैसे ही करंट का फ्लो होता है दिस पॉइंटर मूव्स ऑन द स्केल, और स्केल पे तुम्हारा मार्किंग क्या रहता है, चाहे वो एमीटर हो चाहे वो वोल्टमीटर हो, तुम उसको पढ़ सकते हो. तो यहाँ पे बेसिकली समझो क्या हो रहा है कि एक करंट फ्लो हो रहा है दैट इज दैट करंट इज क्रिएटिंग सम मैकेनिकल इफेक्ट व्हिच इज द पार्शियल रोटेशन एंड दिस रोटेशन कॉजेज द पॉइंटर टू मूव, और इस मैकेनिकल इफेक्ट के द्वारा तुम करंट को पढ़ रहे हो, ठीक है. तो हम लोग एमीटर देखते हैं तो एमीटर में क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं. वोल्टमीटर में देखते हैं इतना वोल्ट है, वो कांटा जहां तक हिला. दिस मैकेनिकल मूवमेंट इज ट्रांसलेटिंग द इफेक्ट ऑफ द करंट, करंट के इफेक्ट को ये ट्रांसलेट कर रहा है. द फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूसेस ए डिफ्लेक्शन इन द कॉइल व्हिच मेक्स द पॉइंटर अटैच्ड टू ए स्केल टू मूव, एंड दस वी आर एबल टू रीड द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है. दिस इज व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग. सो द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेशन माने अनुवाद करना, ट्रांसलेशन माने या तो रिफ्लेक्ट करना या तो चेंज करना. सो द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसलेटिंग द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू ए मैकेनिकल क्वांटिटी और मोशन दैट वी कैन रीड. इसी से जो है हम लोग उस मोशन को पढ़ पाते हैं. जब करंट फ्लो हो रहा है, अब करंट जो है वो फ्लो हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो कुछ भी हो रहा है, तुम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते. डिजिटल मीटर्स जो होते हैं वो उनका प्रिंसिपल अलग होता है, वो कभी बाद में उसको अलग लेक्चर में डिस्कस किया जाए. तो यहाँ पे मैकेनिकल इफेक्ट में जो है वो ट्रांसलेट होता है एंड यू आर एबल टू रीड दैट क्वांटिटी. बेसिक प्रोसेस ये होता है. तो ये जो है डीसी एमीटर, डीसी वोल्ट मीटर में जो है ये यूज होता है, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. हम लोग यहाँ पे बेसिक जो है हमारा फोकस है टू स्टडी द गल्वानोमीटर. अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है जैसे एमीटर है, वोल्ट मीटर है, ओमीटर है, वाट मीटर है जो पावर मेजर करता है. तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन होता है उनके फंक्शनिंग पर, ठीक है. एक एनालॉग होता है जो तुम अभी जिसको हम अभी बता रहे हैं, जहां पे कांटे से तुम पढ़ते हो, कांटा जहां तक मूव किया उतना करंट है, उतना वोल्टेज है, उतना रेजिस्टेंस या पावर है, इसको एनालॉग बोलते. और एक होता है डिजिटल, डिजिटल माने जो डिजिट दिखाता है, डिजिटल पैनल मीटर डीपीएम. डीपीएम जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट. एनालॉग जो है उसमें डिजिटली नहीं, हम उसमें देखते हैं कि कितना जो है वो स्केल पर मूव किया. एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को जो है
इसको डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इसमें स्केल होता है और एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर पर स्केल जो मूव करता है उससे हम पढ़ पाते हैं कि कितना करंट या वोल्टेज या कुछ भी फ्लो हो रहा है। डिजिटल में हमको वो मशीन जो है डिजिटल दिखाता है। तो यहाँ पे जो है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ क्लास है जो जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर ऑफ टू टाइप। पहला जो है ये एनालॉग होता है, जिसको हम लोग अभी यहां पे पढ़ेंगे एनालॉग। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हैव ए पॉइंटर एंड स्केल, हैव ए पॉइंटर एंड स्केल बाय व्हिच वी रीड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के वैल्यू को पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये एनालॉग है। दूसरा जो टाइप होता है दैट इज डिजिटल। हम यहाँ पे डायग्राम दे देंगे अभी। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले ए डिजिट व्हिच इज या व्हिच कोरिस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के वैल्यू को जो है वो पढ़ता है, वो जो है एक डिजिट तुमको देता है। तुम्हारे सामने एक कुछ डिजिट आता है, 10, 5, 0, 1, 2, 3 इस तरह का एक डिजिट आता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है कंसंट्रेट करेंगे अबाउट द ऑन द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। डिजिटल जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ डिफरेंट लेक्चर, ये पूरा एक अलग लेक्चर है, उसको बाद में कभी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। ये जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड अबाउट जैसे जिसमें पॉइंटर और स्केल होता है, आर कॉल्ड एज डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो है इसको डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब है यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, जो अभी हमने तुमको ऊपर बताया। ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तुम्हारा कांटा जो है वो मूव कर रहा है, कांटा मूव करने पर तुम उसको रीड कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें भी कुछ और क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे एक होता है पैसिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि पैसिव मतलब होता है इनडायरेक्ट। पॉइंटर तुम्हारा स्केल के ऊपर मूव कर रहा है, पॉइंटर क्यों मूव कर रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज जा रहा है, पावर हो रहा है, या रेजिस्टेंस है, कुछ भी है, इसको बोलते हैं पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने तुम डायरेक्टली करंट को नहीं पढ़ रहे हो, करंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इफेक्ट को तुम देख रहे हो। ठीक है, एक होता है एक्टिव इंस्ट्रूमेंट। एक्टिव इंस्ट्रूमेंट में जो तुम्हारा एक्सटर्नल पावर सप्लाई होता है एंड देयर इज एन एम्पलीफायर जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल मूवमेंट को स्टडी करता है। सो दिस इज फर्दर क्लासिफिकेशन। पैसिव इंस्ट्रूमेंट are those where the mechanical effect of rotation or deflection is caused by current is read on a graduated scale। graduated मैंने उसके ऊपर marking की रहती। तो यहाँ पे indirectly हम current को पढ़ रहे हैं, इसको पैसिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। एक्टिव इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, उसमें एम्पलीफायर्स का यूज होता है, सो दैट इज ए सेपरेट लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आवर फोकस इज ऑन दिस परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है या PMMC है, ये DC मेजरमेंट्स के लिए सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट है।
सभी डीसी डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए नहीं। तो पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन, जिसमें एक पॉइंटर होता, अभी बताया, कैलिब्रेटेड स्केल होता है, और इसमें मेनली तीन चीजें होती हैं, तीन इसमें फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम इसको पढ़ पाते हैं या जो इसको वर्क कराते हैं। फर्स्ट वन इज द डिफ्लेक्टिंग फोर्स, उसके बाद कंट्रोलिंग फोर्स आता है, एंड देन यू हैव दिस क्या कहते हैं उसको, डैम्पिंग फोर्सेस, डैम्पिंग जो कि ऑसिलेशन से रिलेटेड। पी एम एम सी इंस्ट्रूमेंट, तो पी एम एम सी इंस्ट्रूमेंट जो है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आर वेरी यूजफुल इन द मेजरमेंट ऑफ डीसी क्वांटिटीज के लिए बहुत हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट है। द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स have three main components, इसमें तीन main components होते हैं, तीन components के, components नहीं कहेंगे, components वाले मशीन का पार्ट लग रहा है, factors। पहला क्या होता है, पहला is the deflecting force। deflecting force वो force होता है जो तुम्हारे उस coil को deflect कराता है या उसको partially rotate कराता है, जो पिछले पेज में बताया। this force causes partial deflection in the coil of the instrument, instrument के coil में जो है ये partial deflection produce करता है। Then you have a restoring force या balancing force या इसको controlling force भी बोलते हैं, controlling force। This force is a kind of restoring force that controls the movement of the coil, coil के movement को जो है ये control करता है। And there is damping force या damping factors कहते हैं, these forces reduce the amount अभी हम नहीं कहेंगे, amount of motion of the coil with the passage of time, धीरे धीरे जो है ये motion को reduce करते हैं। ये तीन factors होते हैं इसमें, and the these three factors contribute in the working of the PMMC instrument, permanent moving coil। तो ये जो परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये भी तुम्हारा परिचित है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर और ए करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल, कुछ भी कहो, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। Working principle of the PMMC instrument. The PMMC instrument work on the principle of the force acting on a conductor carrying current when placed in a magnetic field। एक magnetic field में जब हम किसी current carrying conductor को रखते हैं, उसके ऊपर जो force लगता है, that is the working principle of these instruments। और इस force का direction हम लोग कैसे देते हैं, it is given by the Fleming's left hand rule। ये भी तुम लोग पढ़े होगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो है हम लोग फील्ड करंट और फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। द डायरेक्शन
द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये जो है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है कि जो थंब है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फील्ड जो है वो इंडेक्स फिंगर दिखाता है और जो मिडिल फिंगर है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। दिस यू नो फ्रॉम द 12th लेवल। तो ये जो है दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है इसका कंस्ट्रक्शन कुछ हम दिखा रहे हैं तुमको डायग्राम, पहले समझ लो। इसका बहुत डिटेल कंस्ट्रक्शन में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोगों का जो फोकस है वो गलवानोमीटर है। इसमें बेसिकली जैसे इससे पहले ही बताया, देयर इज अ परमानेंट मैग्नेट जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स का बना होता है, जो माने प्योर मटेरियल्स नहीं होते जैसे एल्निको जैसे अलॉयज होते हैं एंड एल्कोमैक्स, और दो सॉफ्ट आयरन के पोल्स होते या शूज होते, और इसके बीच में जो है एक सिलिंड्रिकल कोर होता है दैट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग जो है आवर बेसिक फोकस इज द गल्वानोमीटर, सो वी विल कम टू दैट। ये जो है दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द devices that we are talking about, PMMC devices, the basic diagram of the PMMC instruments is shown as। तो ये जो है ये basic instrument, इसमें देखो यहाँ पे तुमको permanent magnet दिखाया गया, pointer है, scale है जिस पर तुम पढ़ते हो, बीच में एक iron core होता है। Then you have poles, spiral spring जो है ये बैलेंस करने के लिए होता है, ये restoring force या controlling force के लिए होता है। And then you have the pivoted coil जो कि rotate करता है। So this is the basic working diagram या basic constructional diagram। इसका जो working होता है, working में होता ये है कि जो operating current है या जिसको तुम measure कर रहे हो ये coil में से pass करता है, ठीक है। जब हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कोई भी, जैसे मान लो डीसी एमीटर है, तुमने उसको सर्किट में लगाया, करंट पास हुआ, ठीक है। करंट जैसे ही पास हुआ तो जो इसके अंदर जो कॉइल रखा हुआ है इसमें से जैसे ही पास हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जो कि परमानेंट मैग्नेट के फील्ड से इंटरैक्ट किया, और इसके बाद जो जो फोर्स बनता है जिसके कारण पॉइंटर मूव करता है इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स। This is called the deflecting force। When the current passes through the PMMC instrument, passes through the PMMC instrument, then PMMC instrument नहीं कहे passes through the coil of the PMMC instrument, then a magnetic field is produced which interacts with the magnetic field of the permanent magnet। परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से जो है ये इंटरैक्ट करता है। दिस इंटरैक्शन कॉजेज ए डिफ्लेक्शन और रोटेशन इन द कॉइल एंड द पॉइंटर डिफ्लेक्ट, ये पॉइंटर जो है डिफ्लेक्ट होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग फोर्स, इसी फोर्स को हम लोग डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं, माने जी जो फोर्स तुम्हारे उस पॉइंटर को मूव करा रहा है दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स ये डिफ्लेक्ट कराता है, ये मोशन कराता है कॉइल का, कॉइल कांटा जो है हिल गया ये तुमको दिखता है दैट इज द डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ठीक है। तो ये जो है ये,
अब इसका डायरेक्शन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्केल के ऊपर तुम्हारा कांटा मूव किया क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में जीरो से लेकर के या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो मूवमेंट है पॉइंटर का ओवर द कैलिब्रेटेड स्केल, ये जो स्केल के ऊपर कांटा मूव कर रहा है इसको बोलते हैं, एक खास नाम है इसका, दैट इज कॉल्ड द डी आर्सोनवल मूवमेंट। इसीलिए तुम्हारे इस गलवानोमीटर को कभी कभी डी आर्सोनवल गलवानोमीटर भी बोलते हैं, सॉरी ये जो तुम्हारा डीसी इंस्ट्रूमेंट है इसको डी आर्सोनवल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, गलवानोमीटर भी, सॉरी। दिस मूवमेंट ऑफ द कॉइल, सॉरी मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द कॉइल या ऑन द स्केल इज कॉल्ड डी आर्सोनवल मूवमेंट। इसको डी आर्सोनवल मूवमेंट बोला जाता है, ये नाम है इसका, ठीक है। ये जो कांटे के ऊपर ये मूव कर रहा है, ये स्केल के ऊपर कांटा मूव कर रहा है, इसको डी आर्सोनवल मूवमेंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब करंट का डायरेक्शन हम लोग रिवर्स करते हैं तो कॉइल जो है उल्टे तरफ घूमता है जो पहले घूम रहा था, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये तुम लोग पढ़े होगे बेसिक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। जब करंट का डायरेक्शन हम बदल देते हैं तो कॉइल उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा, कांटा उल्टी ओर घूम जाएगा। ये जीरो से अगर राइट को चला था, करंट का डायरेक्शन पलट दिए, सर्किट पलट दिए, कांटा जो है अब ये उल्टी तरफ आएगा, जीरो से जो है लेफ्ट पोजीशन की ओर आएगा। हम डायग्राम दे रहे हैं, आई एम शोइंग यू द डायग्राम। तो ये जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज सेड टू बी पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब है इट डिपेंड्स, इसका जो डिफ्लेक्शन है या इससे जो तुम चीजें को पढ़ते हो, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग करेंट। So this PMMC instrument, it is said to be polarized with a positive and negative terminal. मैंने जब तुम DC ammeter या DC voltmeter को connect करते हो उसमें देखोगे एक plus होता है एक minus होता है। अगर plus minus का तार तुमने उल्टा कर दिया तो ये उल्टी तरफ घूमेगा कांटा। That is why ये जो instrument होता है this is a purely direct current measuring instrument. अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्टली अगर हम इसमें लगाएंगे वो मेजर नहीं कर पाएगा। कई बार जो है लड़कों से पूछा जाता है, बोलते हैं कि वो बहुत तेज जो है अल्टरनेटिंग करंट बदलता है तो मेजर नहीं कर पाता, ऐसा हमेशा ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। एक तो एसी का प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी है इस इंस्ट्रूमेंट का, अगर हमको एसी मेजर करना है या एसी में यूज करना है तब हमको रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, देन ओनली यू कैन डू योर मेजरमेंट, देन ओनली यू कैन टेक योर रीडिंग, ठीक है। इफ द पोलैरिटी ऑफ द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, वो कुछ भी हो सकता है तुम्हारा अमीटर या वोल्टमीटर, इज चेंज एंड देयर इज ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन द कॉइल विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड there will be a movement of the pointer to the opposite side, thus we say that the instrument is polarized with the current,
ये जो है पोलराइज होता है, पोलराइजेशन का मतलब ही है डायरेक्शन डिपेंडेंस। लाइट में जो तुम लोग पोलराइजेशन पढ़ते हो वहां पर भी यही होता है, इंटेंसिटी एक डायरेक्शन में जो है ज्यादा है, एक डायरेक्शन में कम है, ठीक है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी पोलराइज्ड विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। दिस इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट और द डीसी इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट वर्क इन एसी, दीज इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आर प्योरली फॉर डीसी मेजरमेंट, ये प्योरली डीसी मेजरमेंट के लिए होते हैं। अगर एसी करना है, एसी मेजरमेंट, एसी करंट या वोल्टेज को जो है हमको स्टडी करना है तो हमको रेक्टिफायर यूज करना होगा, विदाउट रेक्टिफायर हम नहीं कर सकते। ये मैकेनिकल कारण है, या ये दिस इज, यू कैन से नॉट मैकेनिकल, दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल रीजन कि हम जो है इससे डीसी इंस्ट्रूमेंट से हम एसी नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। जैसे यहां पर जो है हम तुमको डायग्राम दे रहे हैं कि किस तरह से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटरैक्ट करता है कॉइल का, या मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल का है वो किस तरह से इंटरैक्ट करता है विद द परमानेंट मैग्नेट फील्ड, दिस इज द डायग्राम। जैसे ये पोल्स है, यहाँ पे कॉइल है, इसके ऊपर फोर्स, अगर ये कॉइल है तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, सेम है मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट है डायरेक्शन में, ये रोटेट कराएगा इसको। जैसे ही हम जो है करंट का डायरेक्शन उल्टेंगे, ये करंट, ये फोर्स का डायरेक्शन या जो कपल है इसका डायरेक्शन भी पलट जाएगा, कॉइल तुम्हारा उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ दिस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। और हमारा जो गल्वानोमीटर है ये भी एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो लेट अस मूव टू द गल्वानोमीटर। इसीलिए इसको मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर कहते हैं, एमसीजी। द मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर, तो ये जो हमारा मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर या एमसीजी है, ये एमसीजी है, दिस इज आल्सो ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी जो है हमारा कॉइल होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। अब हमको जो है इसका मोशन स्टडी करना है, जो तुम्हारे सिलेबस या तुम्हारे इसके रेलिवेंट है, कैसे मेजरमेंट्स करते हैं। द एमसीजी मैंने मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर is a PMMC instrument, लेकिन इसमें जो है तुम्हारा कांटा नहीं होता है, इसमें इस तरह का पॉइंटर नहीं होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये PMMC का एक टाइप है। ये बेसिकली जो गल्वानोमीटर है हमारा, दैट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट और वोल्टेज इन ए सर्किट, ये डिटेक्टर का काम करता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इट इज वेरी सेंसिटिव टू लो लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, इसमें एक डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, तो इसमें जो पॉइंटर है या जो इसका जो भी डिफ्लेक्शन सिस्टम है वो मूव करता है। अब इस यहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट में जो है कोई स्केल नहीं लगा होता, इसमें स्केल अलग से लगा होता है, कॉइल जैसे जैसे मूव करता है स्केल पे हमको उसका मूवमेंट दिखता है, वहां इसमें कांटा नहीं होता, इसमें एक लाइट का मार्क होता है, ठीक है, इसमें एक लाइट का मार्क होता है। द मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर इज यूज्ड
टू डिटेक्ट स्मॉल लिखा गया है, स्मॉल का क्या मतलब है, क्या पैरामीटर है हम लोग समझेंगे आगे, इज यूज टू डिटेक्ट स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस। ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि इसको जो है जब एक जगह प्लेस कर देते हैं तो फिर छुआ नहीं जाता वोल्टेजेस, ठीक है। द एमसीजी फाइंड मेनी एप्लीकेशन इन मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके किस किस का मेजरमेंट होता है, जैसे कैपेसिटेंस, हाई रेजिस्टेंस, ये थ्योरी में है बीएससी पार्ट वन के, प्रैक्टिकल में है बीएससी पार्ट टू के, इंडक्टेंस, सर्च कॉइल, ये सब में इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये जो गैल्वानो, ये ब्रिज और ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, इससे जो है हम लोग अमीटर भी बना सकते हैं, वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। तो ये जो है इसके यूजेस कई सारे हैं। जनरली किसी के कई सारे टेक्स्ट बुक्स में, इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक्स में इसको दो क्लासेस में भाग किया गया, एक डी आर्सोनोवल गैल्वानोमीटर और जो है एक बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर। बैलिस्टिक एक कंडीशन है, हम लोग पढ़ेंगे बैलिस्टिक कंडीशन क्या होता है। तो ये जो डी आर्सोनोवल अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये जो है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है और ये पीएमएमसी डी आर्सोनोवल मूवमेंट होता है। अभी हम लोगों ने देखा उसमें जो है बेसिकली एक कांटा होता है जो एक स्केल पर मूव करता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर मेनली पढ़ेंगे अबाउट द व्हाट यू कॉल, पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में द बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर। बैलिस्टिक हालांकि उसका एक टाइप है, तो लेट अस सी द क्वांटिटी वन बाय वन। द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर is divided into two types. कई सारे बुक्स में जो है एक ही टाइप डिस्कस किया जाता है। वन इज द डी आर्सोनोवल, जो कि डी आर्सोनोवल मूवमेंट पर है, मोशन पर बेस्ड होता है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा आर्सोनोवल। एंड सेकेंड इज द बैलिस्टिक। बैलिस्टिक का क्या मतलब होता है वी विल सी। हम लोग पहले जो है दूसरा अपना कंडीशन पढ़ते हैं, डी आर्सोनोवल को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, पहले समझ लो इसमें होता क्या है। तो ये जो है बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे, क्या क्या कंस्ट्रक्शन होते हैं इसमें, क्या क्या इसमें कॉम्पोनेंट्स होते हैं और ये वर्क कैसे करता है। तो ये जो गैल्वानोमीटर है, कभी कभार कई सारे टेक्स्ट बुक ऐसे हैं जो डी आर्सोनोवल गैल्वानोमीटर है उसी का एक कंडीशन बताया जाता है बैलिस्टिक कंडीशन, तो वो भी हम लोग कह सकते हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। ये जो है रेजिस्टेंस मेजरमेंट, डीसी पोटेंशियोमीटर, ये सब में यूज होता है। इन मेनी केसेस द बैलिस्टिक कंडीशन या बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर is discussed as a special case of the डी आर्सोनोवल गैल्वानोमीटर। ये इसका स्पेशल केस करके भी डिस्कस करते हैं। अगर तुम कोई और टेक्स्ट बुक देखो तो वहां पर भी जो है ये टर्म यूज किया जाता है। So let us see what is the construction. पहले हम लोग construction देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसका working देखेंगे। तो basically जैसे बताया हमने तुमको, ये भी जो है permanent magnet moving coil system है। इसमें भी जो है there is a moving coil, एक magnet होता है और current pass होने पर जैसे बताया उसी प्रकार का मोशन होता है इसमें, ठीक है। एंड दिस इज
दिस टॉपिक, ये जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, दिस टॉपिक इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन का जो है ये एक एग्जांपल है, ये उसी पर बेस्ड है जो तुम लोग ऑसिलेशंस पढ़ते हो, डैम्पिंग, डैम्पिंग फैक्टर्स, फोर्स्ड ऑसिलेशन, उसी का एग्जांपल है। द एमसीजी इज एन एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो यहाँ पे तुमको सारी चीजें पता चलेंगी कि ओवर डैम्पिंग, लो डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, बैलिस्टिक कंडीशन क्या क्या होता है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर तुमको पता चलेगा। सबसे पहले आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एमसीजी। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो यहाँ पे हम एक आउटलाइन डायग्राम दे रहे हैं, और भी डायग्राम हम दे रहे हैं। एक सेकेंड, ये जो है आउटलाइन डायग्राम है, डिटेल डायग्राम अभी हम दे रहे हैं, ये आउटलाइन डायग्राम है तुम्हारे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, या जो डी आर्सनवाल गैल्वेनोमीटर है उसी का एक स्पेशल केस है, तो देख लेते हैं इसी को। तो इसमें जो है पहला कंपोनेंट जो है इट इज द मूविंग कॉइल। द एमसीजी has the main component as one moving coil। पहला इसका component होता है moving coil, जिसके कारण से नाम है moving coil galvanometer। तुमसे अगर पूछा जाए भाई इसके कौन कौन से main components है, तो जो components यहाँ पे बता रहे हो यही बताना। तो ये जो moving coil galvanometer है, या जो हम लोग अभी galvanometer पढ़ रहे हैं, इसका जो मेन कंपोनेंट है दैट इज द मूविंग कॉइल, एंड दिस इज द एलिमेंट दैट कैरीज करंट। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, और इसमें कई सारे टर्न्स लगे होते हैं, कई सारे, एक जो वायर है वो कई नंबर ऑफ टर्न्स में इसके ऊपर लपेटा रहता है। नंबर ऑफ टर्न्स का क्या सिग्निफिकेंस है, अगर तुम लोग मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़े हो तो जानते हो, ठीक है। ये जो कॉइल है, हम लिखेंगे दिस कॉइल इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब लटका के रखना, ठीक है। ये कॉइल इट इज सस्पेंडेड, उसको लटका के रखते सो दैट इट कैन टर्न अबाउट इट्स वर्टिकल सिमेट्री। और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ये परमानेंट मैग्नेट, और इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो पहले हम लोग देख ले ये मूविंग कॉइल क्या होता है। द कॉइल, द मूविंग कॉइल इज द करंट कैरिंग एलिमेंट एंड इट इज सस्पेंडेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड produced by a permanent magnet। एक permanent magnet द्वारा produce किए गए magnetic field में जो है इसको रखा जाता है। The coil may be rectangular or circular in shape। ये rectangular भी हो सकता है, circular भी हो सकता है।
ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दिस इज यूनिफॉर्म, माने स्पेस में सब जगह इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। रेडियल होता है, रेडियल का मतलब हम लोग समझेंगे। ये दो मेन इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। और यहाँ पे जो है एक आयरन कोर होता है, आयरन कोर इसलिए लगते हैं टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आयरन कोर होता है दिस इज स्फेरिकल इन शेप। अगर कॉयल सर्कुलर है ये स्फेरिकल होता है शेप में, और अगर कॉयल रेक्टेंगुलर है तो ये सिलिंड्रिकल होता है। लेट मी शो यू वन डायग्राम ताकि तुमको ये वाला अरेंजमेंट जो है दिखे। यहाँ पर इसमें एक एक जो पार्ट है उसका हम फंक्शन बताएंगे। ये जो है दिस इज ए व्यू ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये पूरा गैल्वेनोमीटर नहीं है, ये एक व्यू है। हम और अच्छा डायग्राम देने की कोशिश करेंगे। देयर इज ए सॉफ्ट आयरन कोर जिसको आर्मेचर कहा जाता है, रोटेट कर सकता है, व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के काम आता है। द आयरन कोर इज स्फेरिकल इफ द कॉइल इज सर्कुलर। अगर कॉइल तुम्हारा सर्कुलर है तो ये स्फेरिकल होता है। एंड इफ द कॉइल इज रेक्टेंगुलर then this iron core is cylindrical। ये जो है उस समय cylindrical होता है, depending upon the shape of the coil। और ये जो है लटकाया जाता है तुम्हारा इससे, वो फॉस्फर ब्रोंज से क्यों लटकाया जाता है पढ़ेंगे हम। तो ये जो अब ये इसके अंदर जो एयर गैप होता है, मैंने जहां पर ये कॉइल मौजूद है, दिस एयर गैप इट इज अबाउट 1 to 2 mm। ठीक है, कुछ गैल्वेनोमीटर में। और ये जो है एक फंडामेंटल कारण है इसका, इसको एयर गैप देने का। कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर तुम्हारा जो ये आयरन कोर है इसको हटा दिया जाता है और जो कॉइल है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि कुछ एयर गैप बचे, माने दोनों जो मैग्नेटिक पोल्स हैं और जो कॉइल है उसके बीच में एयर रहे, इसको रखने का एक फंडामेंटल कारण है। तो एंड दिस इफेक्ट्स द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, क्यों गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। ठीक है, इट इज नेसेसरी to have it is necessary to have an air gap between the poles and the coil that carries current। अगर तुम पूछोगे क्यों तो ये हम इसके बाद बताएंगे। ठीक है, ये पहला जो तुम्हारा कंपोनेंट है। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है या दूसरा जो इफेक्ट होता है, ये सस्पेंशन किस तरह से बना होता है और इसके बाद ये डैम्पिंग किस प्रकार से होती है। एंड देन वी विल स्टडी द इक्वेशन ऑफ मोशन, हाउ डज द कॉइल मूव, how does it produces, how the deflection is produced, और इस deflection से तुम current को किस प्रकार से पढ़ पाते हो, कैसे तुम measurement कर पाते हो। We will see this in the next lecture।